ग्रेवी के लिए हमें एक मसाला बनाना है, तो हमने दो टमाटर लिए हैं जिसे मैंने चॉप करके डाल दिया है, और उसी के साथ हमें 2 इंच की अदरक चाहिए होगी। अदरक अच्छी डालिए क्योंकि इसमें लहसुन तो पड़ता नहीं है इसके लिए। और साथ ही हमें इसमें डालनी होगी 4 से 5 हरी मिर्चियाँ, जो कि आप इसे तोड़ के भी डाल सकते हैं, और इसका एक पेस्ट बना लेना है हमें। अभी देखिए इसमें 5 मिनट बाद बॉईल आ चुका है। अब हम इसका गैस बंद कर देंगे और इसे इसी में सोख होने देंगे। 3 प्याज ली थी छोटी वाली, और हम इसे चॉपराइज करेंगे। हमें बारीक कटी हुई प्याज चाहिए, पेस्ट नहीं चाहिए है। तो मैं ये कह, अभी हमें एक चाय का पानी बनाना है, उसमें हमें 1 ग्लास पानी डालना है और 1/2 टीस्पून चाय पत्ती डालनी है, और इसे अच्छा कड़क पकाना है। ये कलर जो है ना, ये अच्छा डार्क कलर हो जाना चाहिए है। अभी हम इसका मसाला बनाएंगे। मसाले में सबसे पहले हमें 1 चुटकी हींग डालनी होगी, और साथ ही साथ हमें डालना होगा 1 चम्मच जीरा, और इसे हमें फ्राई करना है। जैसे ही ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाता है ज़ीरा, तो हमने इस तरीके से जो बारीक चॉप करके रखी थी प्याज, वो हम इसमें डाल देंगे। फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, तो हम ये जो टमाटो का और अदरक का हरी मिर्च का पेस्ट है, वो डाल देंगे। अभी इसमें मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्ची डाली है और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालना है। इसमें ये टमाटर ने तेल छोड़ दिया है, ये अच्छी तरीके से भून गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारा चाय का जो पानी हमने फ्राई बनाया था, चाय का पानी छोड़ गया। अब हम इसी के साथ कुक करना है। ये जो कलर होता है ना, ये ही रेस्टोरेंट्स वाले, ढाबे वाले भी यही कलर यूज़ करते हैं, इन सेंस चाय यूज़ करते हैं, जिसका ब्लैक कलर देता है। ये कैमरा थोड़ा जस्टिस नहीं कर रहा है कलर के साथ में, इसी पे अब हमें इसके साथ में और पकाना है इसे। जैसे ये अच्छे से 10 मिनट में और भून जाएगा, फिर हम इसमें सोया जो हमने भिगो के रखा था, इसे हम इसे दबा के और फिर इसे डाल देंगे अंदर। अब 5 मिनट बाद आप देख रहे हो कि इसने ऑयल फिर से छोड़ दिया है, ऑलरेडी। अब हमने जो हमारे सोया ग्रैन्यूल्स लिए थे, सॉरी अभी जो हमने सोया लिया था, उसका हम थोड़ा थोड़ा सी पानी निकाल के इसमें डालते जाएंगे। ज़्यादा दबाइए मत इस तरीके से, दैट्स इट। ओके, ये आप इसमें डाल दीजिए, ज़्यादा पानी नहीं मत निकालिए ना, तो ड्राई हो सकता है। अब इस पॉइंट पे जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के गरम मसाले का पाउडर। मिक्स हो गया है, अभी हमें इसे पकाना है जब तक इसके साइड से तेल रिलीज ना हो। तेल जब छोड़ देगा, इसका मतलब ये अच्छी तरीके से पक गया है और भून गया है। रेस्टोरेंट और ढाबे को खाने का ये भी होता है कि आप जितना भूनोगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। अभी हमें घूमना है इस अच्छी तरीके से, आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा तेल यहाँ से रिलीज हो रहा है, अभी रिलीज और तेल होगा इस तरह से। इसमें पानी मत डालिएगा, ये इसी तरीके से सेमी ग्रेवी में सर्व होती है। सो ये ऑयल छूट चुका है इसमें से, तो ये सोया भुना मसाला रेडी है। अब मैं इसे सर्व कैसे करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी।